हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी बगिया में। आज मैं आपको पर्टिलाका प्लांट के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी कि इसको घर पर लगाना कितना आसान है और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ ही बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बस इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं। इसके बीज सिर्फ 5 या 6 दिन के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। और ये जो प्लांट है, ये समर सीज़न और मानसून सीज़न में तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं। फ्रेंड्स, मैंने इनको कई साइज़ के पॉट्स में लगाया है। जैसे यहाँ पे ये बॉर्न चाइना का है मेंढक, और ये 4-4 इंच के पॉट हैं। और इधर कुछ मैंने सीमेंट के पॉट बनाए थे, उनमें लगा रखे हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट आए हुए हैं और फूल कितने प्यारे दिख रहे हैं, खिले खिले। यहाँ पे येलो कलर है, रानी कलर है, और इधर एक मेरा वाइट कलर का भी प्लांट आया हुआ है। और कुछ मैंने ये हैंगिंग प्लांट भी लगा रखे हैं इस तरीके से। और सारे के सारे प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर चुके हैं और काफ़ी फूल आए हुए हैं इनमें। अब मैं इनके नाम के बारे में बताऊंगी कि कई जगह इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे काफ़ी लोग इनको पर्टिलाका बोलते हैं, पर्चुलाका भी बोलते हैं। इनको ऑफिस टाइम से भी जाना जाता है और इनको दिन का राजा और दिन की रानी भी बोलते हैं। और मेरे यहाँ पे तो इनको मॉस रोज भी बोलते हैं। तो इनको कई नामों से जाना जाता है, पर जितने भी नाम से जाना जाता है उतनी ही सुंदरता इन फूलों में दिखाई दे रही है। और एक बात और मैं आपको बताऊंगी कि इन प्लांट्स को ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम गहरे पॉट में भी हम इनको लगा सकते हैं, उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए इनको एक सबसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। जहाँ पे जितनी धूप होगी उतने ही अच्छे तरीके से फूल ग्रो करेंगे और इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कम पानी ही डालेंगे तो अच्छा ग्रो कर जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देती हूँ। कुछ कुछ दिन में इनमें मैं गाय के गोबर की खाद को पानी में मिला के और इनमें देती हूँ। उन्हीं से इनमें काफ़ी ताज़गी और काफ़ी हेल्थी हो जाते हैं ये। और पानी भी तभी दें जब इनकी मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इनमें फंगस लग जाता है और छोटे छोटे मिनी बग्स भी लग जाते हैं। तो इसके लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें। जैसे मेरी छत पे तो काफ़ी धूप आती है 8-9 घंटे की, तो जिससे इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अक्टूबर और नवंबर के सीज़न में तो ये प्लांट इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं कि मेरे को इनकी कटिंग करनी पड़ती है, और उन्हीं कटिंग्स को मैं अपने अलग पॉट्स में लगा देती हूँ। अब बात आई कटिंग से प्लांट कैसे लगाया जाए, तो मैं आपको वो भी सिखाती हूँ। बड़ी आसानी से हम कटिंग से ही घर पे काफ़ी प्लांट पा सकते हैं इनसे। ये देखिए, ऐसे मैं इनको कट कर लूँगी। और ये जो पॉट है, ये मैंने घर पर ही प्लास्टिक की बॉटल से तैयार किया है, और ये हम इनको इस तरीके से लगा देंगे। बड़ी आसानी से हम एक ही प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये 5-6 दिन में ही काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे और इसको पॉट को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्लांट लगा दिए हैं, कितने आसानी से लग गए हैं सारे के सारे। और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी दे दूँगी। बस अब मैं इनको धूप में ही छोड़ दूँगी और इसी से ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।